हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम प्रशांत लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4। और चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में आपका सेक्शन 4 से लेके आपके 11 तक की बात करी गई है। ठीक है, तो पढ़ते क्या है। तो पहला सेक्शन 4 ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर और इंक्लूज एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी है, जैसे मान लीजिए मेरे पड़ोस में किसी किसी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है, उसके फादर कर रहे हैं या उसकी मदर कर रही है या उसका हस्बैंड कर रहा है, ठीक है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन अगर पुलिस को दे देता हूँ या प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे देता हूँ तो मेरे पे केस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। एनी पर्सन में कोई भी हो सकता है, उसका फैमिली रिलेशनशिप में भी हो सकता है एक पर्सन का, ठीक है, उस वुमेन का, या उसको कोई पड़ोसी पड़ोसी कोई भी पर्सन जिसने देखा कि यार किसी के ऊपर हो रहा है। ठीक है, इस पर कैंपेन भी चला था, रिंग द बेल, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो हैज़ बीन बिलीव, रीज़न टू बिलीव लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इंटेंशन नहीं लिखा हुआ, जिसे रीज़न टू बिलीव मतलब हल्का फुल्का भी है, इंटेंशन, नॉलेज, और जैसे ये इंटेंशन के बाद नॉलेज आती है, नॉलेज के बाद रीज़न टू बिलीव आता है, ये आपका इंटेंशन को बताने के तरीके होते हैं, जैसे मे और शैल में फ़र्क बताने के लिए। ठीक है, रीज़न टू बिलीव कि किसी के ऊपर एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था कि कोई सा भी वायलेंस है, फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल वायलेंस है, इकोनॉमिकल वायलेंस है, या आपका कोई भी वायलेंस हो गया, आपका इमोशनल वायलेंस हो गया, गाली गलौज हो गया, सेक्सुअल वायलेंस हो गया, ये सारे मिलते हैं जानकारी, अगर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल और सिविल केस नहीं बनेगा अगर उसने गुड फेथ में करा है। ठीक है, गुड फेथ में करा है तो नहीं बनेगा, बट अगर उसके मलिशियस इंटेंशन से, ठीक है, यानी कि फॉल्स इंटेंशन से, यानी कि मैलिस इंटेंशन से, ठीक है, तो केस बनेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 कह रहा है कि ड्यूटी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, यानी कि फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर और थर्ड मैजिस्ट्रेट, इन तीनों की ड्यूटी है कि अगर इनके पास कोई कंप्लेंट आती है, रिसीव्ड अ कंप्लेंट आती है इनके पास, ठीक है, और अदरवाइज किसी भी तरह पे आता है या इन्हें प्लेस ऑफ इंसिडेंट का पता चलता है, ठीक है, तो ये उस एग्रीव पर्सन को, एग्रीव पर्सन कौन होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, जो हमने डेफिनेशन ए में पढ़ा था। ठीक है, उसको बताएंगे कि आप मॉनिटरी रिलीफ भी ले सकते हो। ठीक है, मॉनिटरी रिलीफ आपका सेक्शन 20 में बताया गया। ठीक है, कस्टडी आपका 21 में बना रखा है, आप अगर उसका बच्चा अच्छा है तो आप अपने बच्चे की कस्टडी भी ले सकते हो। रेजिडेंस ऑर्डर के बारे में बताया जाएगा, 19 में बताएंगे। कंपनसेशन ऑर्डर के बारे में बताया जाएगा, उसे 22 में हो गया, और भी जो भी आपके ऑर्डर है 17 से लेके 23 तक, उन सारे ऑर्डर्स के बारे में उसे बताया जाएगा, और उसे एक सर्विस प्रोवाइडर भी दिया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब जो उसे सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, रोटी कपड़ा और मकान दिलवाया जाएगा, जो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट बताती है। ठीक है, और उसे एक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी दिया जाएगा, अगर उसको जैसे मान लो कोर्ट ने कह दिया कि जो रिस्पॉन्डेंट है वो उसके आसपास भी नहीं आएगा 300 मीटर तक। ठीक है, रेजिडेंस ऑर्डर रेजिडेंस कह रहा हूँ, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑर्डर दे दिया, तो और तब भी उसके पास रिस्पॉन्डेंट आ रहा है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को बताएगी। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर की सर्विसेज दी जाएंगी, जितनी भी प्रोटेक्शन ऑफिसर की सर्विसेज होती हैं, कि वो इंश्योर करेगा कि आपका ऑर्डर 17 से लेके 23 तक के सारे चीज़ें मिल रही है नहीं मिल रही। ठीक है, उसे फ्री का वकील मिलेगा आपका। ठीक है, और अगर लग रहा है कोर्ट को रेलिवेंट लग रहा है इन तीनों को, किसको, सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोटेक्शन ऑफिसर को या मैजिस्ट्रेट को, ये तीनों की बात हो रही है, इन तीनों को अगर रेलिवेंट लग रहा है तो रिस्पॉन्डेंट के ऊपर आपका 498A का भी केस रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, आपका 498 IPC की बात करता है। ठीक है, अगर इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि अगर प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी का मान लीजिए कोई आप कोई एग्री पर्सन जो है वो पुलिस वालों के पास जाती है, ठीक है, और कहती है कि मैंने तो वैसे तो कंप्लेंट फाइल कर रखी है कोर्ट में। ठीक है, तो पुलिस वाला कहता है जब आपने कंप्लेंट फाइल कर रखी है तो आप मेरे पास क्यों है, बट अगर उसकी कंप्लेंट में कोई भी कॉग्निजेबल केस बन रहा है तो वो उसकी FIR भी करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे कि ये एक कंप्लेंट है, ठीक है, कंप्लेंट में औरत ने कोर्ट में केस डाल दिया, ठीक है, और एक ACP के पास भी कंप्लेंट डाल दी, ठीक है, CAW सेल में। अब CAW सेल वाले उसे ये नहीं कह सकते कि आपके तो कोर्ट में केस चल रहा है तो हम आपके ऊपर, हम रिस्पॉन्डेंट के ऊपर कोई भी FIR नहीं कर सकते। अगर इसकी कंप्लेंट में कोई भी कॉग्निजेबल केस है जिस पे FIR हो सकती है, कॉग्निजेबल केस आपके जैसे कि मान लीजिए 300 325 हो गया, 326 हो गया, ठीक है, या आपका 498A भी आपका एक कॉग्निजेबल केस है जिस पे FIR हो सकती है, कोई भी कॉग्निजेबल एलिगेशन दिख रहे हैं और पुलिस वाले को लग रहा है कि कर सकता है, तो वो FIR भी करेगा। ठीक है, इन शॉर्ट वो ये नहीं पल्ला पल्ला झाड़ नहीं सकता कि आपका तो केस कोर्ट में चल रहा है, कंप्लेंट, आपने डोमेस्टिक वायलेंस में केस डाल रखा है तो हम इसमें FIR नहीं कर सकते। अगर एलिगेशंस में पता चल रहा है कि नहीं यार इसमें एलिगेशंस हैं, ठीक है, और कॉग्निजेबल एलिगेशन है,
तो पुलिस वाले को FIR दर्ज करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 154। ठीक है, तो ऐसे समझिए, मान लीजिए जैसे आपको एक एग्जांपल से वो समझाता हूँ कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, ठीक है, और उसको फोर्सफुली सेक्स कर रहा है उसके साथ 377 में, यानी कि अननेचुरल सेक्स कर रहा है, ठीक है, एनल सेक्स कह दीजिए इसको, बोले तो एनल सेक्स, ठीक है। अब इसने इस बात रिगार्डिंग तो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस भी डाल रखा है, और ये पुलिस में जाती है, कहती है कि आप मेरी FIR करो। पुलिस वाले कहते हैं हम नहीं कर रहे, जाओ निकलो। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपका तो जी इस भी आप पे नहीं कर सकते कि प्रोटेक्शन, आपका तो कोर्ट में केस चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, तो इस बेस पे नहीं कर सकते। पर क्या ये ऐसे मना कर सकते? आंसर इज नो, वो मना नहीं कर सकते। अगर इन्होंने मना करा तो इन पे 166A की FIR हो जाएगी पुलिस वालों पे खुद पे, ठीक है। अगर कोई भी कंप्लेंट में एलिगेशन है कॉग्निजेबल केस का, तो वो उसे FIR करनी पड़ेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपका मेंशन कर रखे थे कि ये कॉग्निजेबल है या वो नहीं है, ऐसे, ठीक है। अब सेक्शन 6 क्या कह रहा है? सेक्शन 6 कह रहा है ड्यूटी ऑफ द शेल्टर होम्स। आपका स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज या एक के या दो डिस्ट्रिक्ट के हर जगह पे, जैसे मान लो ए डिस्ट्रिक्ट है, बी डिस्ट्रिक्ट है, सी डिस्ट्रिक्ट है, या तो यहाँ पर अलग अलग खोल देगी शेल्टर होम्स, या इन तीनों का एक खोल देगी, ठीक है। इफ एनी एग्री पर्सन या प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर आपका पुलिस वाले नहीं होते, कभी कभी कहीं जगह पे पुलिस वाले भी होते हैं, कई जगह पे अलग से स्टेट गवर्नमेंट भी इंश्योर करती है, ठीक है। तो पुलिस जरूरी नहीं है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर एक पुलिस वाला ही होगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है। या तो एग्री पर्सन या प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइड के कहने पे शेल्टर होम वालों को, अगर किसी जगह को जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने कह रखा है कि ये शेल्टर होम्स है, ठीक है, ये जगह, ये धर्म फलाना ए फलाना बी फलाना सी शेल्टर होम्स है इस इन जगहों पे, तो उस शेल्टर होम का जो इंचार्ज होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा है इंचार्ज, इंचार्ज किसका, उस शेल्टर होम का, तो वो एग्री पर्सन को और उसके बच्चे को, ठीक है, अगर बच्चा है तो शेल्टर देगा ही देगा, यहाँ पर शेल प्रोवाइड लिखा हुआ है, यानी कि देना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकता वो। अगर किसने कहा है, एग्री पर्सन ने कहा है और प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कहा है, ठीक है, तो उन्हें शेल्टर होम मिलेंगे। कौन से शेल्टर होम? जो स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखे हैं। अब बात करिए ड्यूटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ की, बात करिए अगर एग्री पर्सन और आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कहा है कि मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाएंगी, ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाएगी, मेडिकल एड भी प्रोवाइड करी जाएगी उन्हें, क्योंकि दवाइयाँ खर्चा अगर दिया जाएगा या दवाइयाँ ही दी जाएंगी या मंगवाई जाएंगी, जो भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है बताया गया, वो सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाएंगी। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर की कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, शैल बाय नोटिफिकेशन, यानी कि राजपत्र में बता के कि अपॉइंट सच मेंबर नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट, या तो ए बी सी तीन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, या तो अलग अलग एक इनका प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा या इन तीनों का एक ही प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा। हालांकि जनरली जो आपका दिल्ली में बात करी जाए, एक थानों वाइज होते हैं, जैसे मान लो एक आपका वेलकम थाना हो गया, ज्योति कॉलोनी थाना हो गया, थानों के हिसाब से प्रोटेक्शन ऑफिसर दिए जाते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर पुलिस वाले नहीं होते, थानों के हिसाब से निकाले जाते हैं, जो मैजिस्ट्रेट का होता है उसके थाने में, जैसे मान लो एक मैजिस्ट्रेट के पास 5 थाने लगते हैं, 1 2 3 4 5, या इन पाँचों का एक होगा या इन पाँचों का कोई दो या तीन करके कर रखा होगा, दिल्ली में थानों के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो नेसेसरी है तो आपका एरिया और एरियाज के हिसाब से माने जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, इसके सब क्लॉज 2 की, प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी एज फार एज वुमेन, या हो सके, जब 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 ये दिख जाए ना यहाँ पर कि एज फार एज, तो एज फार एज का मतलब जितना हो सके एक वुमेन ही होनी चाहिए। अगर मतलब ज़रूरी नहीं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पर ये टू का ये कह रहा है कि जितना हो सके एक मेल ही हो, ओ सॉरी वुमेन ही हो, ठीक है। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑफिसर सबऑर्डिनेट, अब देखिए जो प्रोटेक्शन ऑफिसर की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या नहीं क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, उसके सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे, कौन से थाने उसको मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे, ठीक है, कौन से जगह को देखेगी क्या नहीं देखेगी, ठीक है, जो आपको कौन बताएगा आपका, आप कैसे अपॉइंट होगा, कितने टेन्योर के लिए अपॉइंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की कितने टेन्योर होगा, कितने टाइम तक कौन रहेगा, क्या रहेगा, कच्चे में रहेगी, पक्के में रहेगी, जो भी चीज़ है वो आपका ये बताएगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कौन बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट। अब सेक्शन 9 क्या कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटी क्या है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर की सबसे बड़ी ड्यूटी है वो है असिस्ट द मैजिस्ट्रेट, जो भी मैजिस्ट्रेट होगा, ठीक है, उसको असिस्ट करेगा, जैसे मान लीजिए ये एक दीप्ति दिवेश आपकी एक मैजिस्ट्रेट है, ठीक है,
उसको ये कौन असिस्ट करेगा, उसका प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो भी मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे उनको असिस्ट करेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो मेक डोमेस्टिक DIR रिपोर्ट बना कर देगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो मैनर दे रखा है। अब DV एक्ट में देखेंगे ना पीछे की साइड पे दे रखा है कि DIR का क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। रिसिप्ट अपॉन द कंप्लेंट रिसीव्ड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फॉरवर्ड अ कॉपी देयर ऑफ पुलिस इंचार्ज, जो भी उस थाना लगता है, ठीक है, जो भी थाना लगेगा वहाँ के थाने के हिसाब से, जैसे मान लो ये आपकी जो वुमेन है, एग्रीव पर्सन है, वो आपका वेलकम थाने में रहती है, ठीक है, मतलब वेलकम थाने में नहीं रहती, मतलब उसका जो ज्यूरिडिक्शन पड़ता है वो वेलकम थाना लगता है, तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा उसकी कंप्लेंट की कॉपी और DIR की कॉपी उस थाने में भी भेजेगा, ठीक है, और पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल ज्यूरिडिक्शन वेयर द डोमेस्टिक वायलेंस इज अलेज, जहाँ पर हुआ है या फिर जहाँ रहती है वहाँ पर, और कमिटेड एंड द सर्विस प्रोवाइडर इन दैट एरिया, और अगर वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर है तो उनको भी देगा। टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म, अब उस एप्लीकेशन को सच फॉर्म इंश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्डर इन सच मैनर प्रिस्क्राइब दैट क्लेमिंग रिलीफ, उसमें जो भी रिलीफ होंगे जो आपका 17 से लेके 20 तक है, मॉनिटरी रिलीफ हो गया या आपका प्रोटेक्शन रेजिडेंस ऑर्डर्स हो गया, जो भी उस कंप्लेंट में उसने प्रोटेक्शन मांग रखे हैं ऑर्डर्स, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मांग रखे हैं 17 से लेके 23 तक बता रखे हैं, वो सब उसमें लिखे होंगे, ठीक है। टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे उन्हें फ्री लीगल एड भी दी जाएगी, काउंसलिंग करी जाएगी कि जैसे वो बूझ चुके, शेल्टर होम दिया जाएगा, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी, जो भी मैजिस्ट्रेट पड़ता है उस इलाके का वहाँ का, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, लीगल एड दी जाएगी, फ्री का वकील दिया जाएगा। टू मेक अवेलेबल ऑफ सेफ शेल्टर होम, उसके लिए शेल्टर होम देंगे अगर वो कहीं नहीं रह पा रही बेचारी, ठीक है। इफ़ द एग्री पर्सन सो रिक्वायर्स अ फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रिपोर्ट हैविंग लॉज्ड एंड पुलिस स्टेशन, यानी कि अगर लग रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर को कि इसके ज़्यादा हुआ है तो इसके साथ उसके ऊपर FIR भी होगी, मतलब यानी कि जैसे इसको ये ऐसे समझिए, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसे दिख रहा है कि एग्रीड वुमेन जो है उस पर कॉग्निजेबल केसेस भी हुए, मतलब उसके साथ आतापाई भी हुई है, सब कुछ हुआ है और ऐसे दिख रहा है, तो वो पुलिस स्टेशन में FIR भी करवा सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ये चीज़ है। किसके खिलाफ? रिस्पॉन्डेंट के खिलाफ। टू गेट एग्री पर्सन मेडिकल एग्जामिन, उसको मेडिकल एग्जामिन करा जाएगा, ठीक है, किसको? एग्री पर्सन को, यानी कि उस वूमेन को, विक्टिम को, ठीक है, ऐसे समझिए। फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ मेडिकल रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन भी दी जाएगी, ठीक है, और आपका मैजिस्ट्रेट के पास भी भेजी जाएगी अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने करवाया तो, ठीक है। टू इंश्योर डेट द ऑर्डर ऑफ मॉनिटरी रिलीफ भी दिया जाएगा, उसे पैसा भी दिया जाएगा जो भी आपका CRPC में प्रिस्क्राइब है, ठीक है। परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी अगर जो ड्यूटीज़ है वो बनाई गई, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है या मैजिस्ट्रेट ने भी बोला है तो वो भी निभाएगा। द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के अंडर ही रहेगा, अपॉइंटमेंट चाहे इसकी स्टेट गवर्नमेंट करे, ठीक है, पर अंडर किसके रहेगा? ये मैजिस्ट्रेट को रहेगा, जवाब देगी मैजिस्ट्रेट को ही रहेगा। परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज बाई हिम अ मैजिस्ट्रेट एंड द गवर्नमेंट बाय अंडर दिस एक्ट, जो भी उसे गवर्नमेंट और मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे, ड्यूटीज देंगे, उसे निभानी पड़ेगी। ये तो बात हो गई इसकी ड्यूटीज़ की, अब इसको एक चीज़ से समझिए, जैसे कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर है, इसके क्या क्या काम है मेजर, जो DIR रिपोर्ट बनाना, ठीक है, आपका फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, ठीक है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना यानी कि फ्री का वकील देना, ठीक है, आपका शेल्टर होम देना, अगर ये खुद से नहीं कर पा रही तो ही शेल्टर होम देना, ठीक है, आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ देना और आपका मॉनिटरी रिलीफ देना, ये इसके मेजर काम है, और इन सब की वो कॉपी खुद भी रखेगी, मैजिस्ट्रेट को भी देगी और पुलिस को भी देगी, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 10, जो सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहा है, ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइडर्स एक NGO, बेसिकली NGO बोल लीजिए, ठीक है, अगर कब बन सकती है, अगर उसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में वो रजिस्टर्ड हुई हुई है, ठीक है, जैसे कोई NGO होती है या आपने कोई ग्रुप ऑफ सोसाइटी खोलना है तो उसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होना ही पड़ता है, ठीक है, और एक कंपनी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट में, या तो कंपनी एक्ट में 2013 चल रहा है तो, ठीक है, उसमें रजिस्टर्ड हो, या एनी अदर लॉ जो आपका एक एसोसिएशन बनाने के लिए कहती है, ठीक है, वो हो सकती है। इनफोर्स ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वुमेन एंड लॉफुल मीन्स इंक्लूडिंग लीगल एड मेडिकल फैसिलिटीज, उनको ये चीज़ें लीगल एड हो गई मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे कौन? सर्विस प्रोवाइडर्स। अब शैल बी रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद द स्टेट गवर्नमेंट एज ए सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि पहली बात तो उसे आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में या आपका कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है, NGO को या कोई भी, ठीक है, फिर बाद में उसे स्टेट गवर्नमेंट से नोटिफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि आपको इस डिस्ट्रिक्ट में आपको सर्विस प्रोवाइडर बनाया जाता है, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या है?
कि वो आपका DIR रिकॉर्ड, द DIR भी रिकॉर्ड कर सकती है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म दे रखा है आपका DV एक्ट में दे रखा है, पीछे देखिए ठीक है। इफ द एग्री पर्सन सो डिजायर फॉरवर्ड अ कॉपी, मैजिस्ट्रेट को भी देगी और प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी देगी। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर से अलग है, ठीक है, सेम नहीं है दोनों, ठीक है। तो DIR रिपोर्ट आपका सर्विस प्रोवाइडर्स भी बना सकते हैं और आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर भी बना सकते हैं, ठीक है। वेयर द डोमेस्टिक वायलेंस टू प्लेस, जहाँ पर भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। गेट द एग्री पर्सन मेडिकली एग्जामिन, उनको एग्री पर्सन को मेडिकली एग्जामिन करा जाएगा और उसकी फॉरवर्ड कॉपी कॉपी को फॉरवर्ड करा जाएगा मेडिकल रिपोर्ट की प्रोटेक्शन ऑफिसर को और पुलिस स्टेशन में जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उसके साथ, ठीक है। इंश्योर दैट द एग्री पर्सन इज प्रोवाइडेड शेल्टर इन शेल्टर होम, उसको शेल्टर होम भी दिया जाएगा जहाँ पर, या तो उस सर्विस प्रोवाइडर ने ही खोल रखा है तो ठीक है, वरना जहाँ पर भी है उनको वो प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। और उसकी कॉपी लॉज कर देगी कहाँ, पुलिस स्टेशन में और आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर को, ठीक है, जहाँ पर भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। नो सूट और प्रोसिक्यूशन लीगल शेल बी लाई अगेंस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आपको एक सिंपल से लग, कोई NGO है, उसके पास कोई एक औरत आती है, कहती है मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उस NGO ने स्टेप्स लिए, FIR करवाई, ठीक है, रिस्पॉन्डेंट के ऊपर, ये वो, बाद में चला कि वो जो लेडी थी वो झूठ बोल रही थी, ठीक है। अब क्या इस NGO पे केस होगा, इस NGO पे कोई केस नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको बोनाफाइडली इन्होंने गुड फेथ में काम किया था, ठीक है, गुड गुड फेथ में करा। पर मान लो यही NGO ही करप्ट थी, ठीक है, और ये जान जान के ऐसे केसेस करवाती थी बदला लेने के लिए, मैलाफाइड इंटेंशन थी इनकी, तो इन पे केस होगा, ठीक है, 182 का, कि आपने एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स को गलत जवाब दिया, ये वो, जो भी आपके मलिशियस प्रोसिक्यूशन, जो भी आपके केस बनते हैं वो भी होंगे केस, ठीक है, दो केस ज़्यादातर बनते हैं। अब ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, क्या क्या मेजरमेंट करेगी डोमेस्टिक वायलेंस को रुकवाने के लिए, कि प्रिंट मीडिया में होर्डिंग्स छुपाएगी, बनाएगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, ये सब चीज़ें। सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर एंड द मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस आर पीरियडिक सेंसेशन अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे कि जिससे औरतों को उनके राइट्स के बारे में पता हो, ठीक है, कि सेक्शन 3 में ये बातें लिखी गई हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। कईयों को तो यही नहीं पता होता कि अपने मदर फादर के खिलाफ भी केस कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर दिखाएंगे, जैसे महिला आयोग और इनके बीच में मिनिस्ट्री जो भी चलती है वुमेन क्यों गवर्न करती है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स ऑफ मिनिस्ट्री इनके बीच में सही से होगा, कि जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने बीच में बना के चलेगी, तालमेल बना के चलेगी, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। बस आपका ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।